अगले 5 महीने के लिए टीम इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं खेलने वाली है। टीम इंडिया का इस साल का पूरा स्केड्यूल आ चुका है, जिसमें टीम इंडिया ओडीआई भी खेलेगी, T20 भी खेलेगी, 3 टूर्नामेंट्स भी हैं इस साल। लेकिन टीम इंडिया नहीं खेलेगी तो वो है एक भी टेस्ट मैच अगले 5 महीनों के लिए। 3 टूर्नामेंट जो इस साल होने वाले हैं, पहला है एशिया कप जो 30 अगस्त से 17 सितंबर तक चलने वाला है, जो कि हाइब्रिड मॉड्यूल में होगा, 4 मुकाबले पाकिस्तान में तो बाकी सारे श्रीलंका में। उसके बाद एशियन गेम्स भी होगा इस साल, जो कि 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, जो कि इस बार भारत में ही होने वाला है। बता दें अभी इस समय टीम इंडिया कर रही है वेस्ट इंडीज का दौरा, जिसमें 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 5 T20 की सीरीज चल रही है। पहले 2 टेस्ट खत्म हो चुके, तो अब 3 ODI के मुकाबले शुरू होंगे, तब उसके बाद 5 T20 के मुकाबले शुरू होंगे। जो 2 टेस्ट खेले गए थे, पहला टेस्ट हुआ था 12 से 16 जुलाई को, तो दूसरा टेस्ट हुआ था 20 से 24 जुलाई को। अब इसके बाद अगला टेस्ट जो होगा वो 5 महीने के बाद ही होने वाला है। अब ODI की सीरीज शुरू हो जाएगी, जो कि शुरू होने वाली 27 जुलाई से, तो उसके बाद T20I की सीरीज शुरू हो जाएगी, जो शुरू होने वाली है 3 अगस्त से। इसके बाद इसी दौरा खत्म हो जाएगा 13 अगस्त को। इसके बाद टीम इंडिया करेगी आयरलैंड का दौरा, जहाँ पे 3 T20I की सीरीज होने वाली है। उसके बाद एशिया कप शुरू हो जाएगा, जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करेगी इंडिया का दौरा, जहां पे 3 ODI के मुकाबले होने वाले हैं। वो 3 ODI के मुकाबले टीम इंडिया के लिए एक तरह से प्रैक्टिस मैच भी होने वाले, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया काफी सारे मैचेस तो खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप इस बार घर में ही है और टीम इंडिया को घर में प्रैक्टिस करने के लिए एक भी मैच नहीं है। तो ये जो ODI के मुकाबले खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ घर में, ये एक तरह से प्रैक्टिस मैच ही होंगे। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद बाकी तो ऑस्ट्रेलिया फिर से इंडिया का दौरा करेगी, जहां पे 5 T20I की सीरीज होगी। फिर उसके बाद टीम इंडिया करेगी साउथ अफ्रीका का दौरा, जहां पे 3 T20 की सीरीज, 3 ODI की सीरीज, तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज। यहाँ पे टीम इंडिया फाइनली खेलेगी 2 टेस्ट मैच की सीरीज 5 महीने के बाद, यानी जो भी 24 जुलाई को आखिरी टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खेला वेस्ट इंडीज के साथ, इसके बाद सीधा 26 दिसंबर को टीम इंडिया खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ पहला टेस्ट मैच। जो इंडिया साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी वो 10 दिसंबर से शुरू होगा, जहाँ पे 3 T20 की सीरीज पहले होगी। फिर उसके बाद 17 दिसंबर से ODI के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, 3 ODI खेली जाएगी। फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो जाएगी। जो पहला टेस्ट मैच होगा वो 26 से 30 दिसंबर तक होगा, तो दूसरा ODI जो होगा वो 3 से 7 जनवरी होगा। ये हमने देख लिया, यानी 24 जुलाई के बाद सीधा 26 दिसंबर के और टीम इंडिया खेलेगी फाइनली 5 महीनों के बाद टेस्ट मैच की सीरीज। यानी पूरा का पूरा स्केड्यूल आ चुका है, ODI भी होंगे, T20 भी होंगे, काफ़ी सारे मुकाबले टीम इंडिया खेलेगी, लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेलेगी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आप लोगों को भी आने वाला है, जैसे जैसे टीम इंडिया भी मुकाबले खेलेगी। लेकिन अगर आपको इंतजार है टेस्ट मैच का, तो आपको 5 महीनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा अगले जो टेस्ट मैच टीम इंडिया खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ। अब आप लोग लेकिन बाकी सारे मुकाबलों के लिए, ये 3 टूर्नामेंट जो इस साल होने वाले, उसके लिए कितना एक्साइटेड है टीम इंडिया के, मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताइए। आप भी तो फैन सपोर्ट, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा।